कोरोना टीकाकरण के जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में रविवार को विकास भवन के सभागार में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि 21 जून से विकास खंड जंगल कौड़िया, कैंपियरगंज, पाली, पिपराइच, ब्रह्मपुर, बेलघाट और खजनी के चयनित गाँव में विशेष कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इस टीकाकरण अभियान में 18 साल से ऊपर के लोग अपना आधार कार्ड के साथ टीकाकरण कैंप पर जाकर मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कराकर अपना टीकाकरण करा सकते हैं। उन्होंने कहा, सभी विभागों के समन्वय से ही टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा तथा 21 जून से पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित ब्लॉकों में विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए 1 सप्ताह का माइक्रो प्लान बनाया गया है। सीडीओ ने कहा कि इसके लिए शिक्षा विभाग, पंचायती राज, आपूर्ति विभाग, ICDS व खंड विकास अधिकारियों को टीकाकरण के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए निर्देशित किया गया है। सीडीओ ने बताया कि टीकाकरण अभियान की मॉनिटरिंग करने के लिए विकास भवन के वार रूम स्थापित किया गया है तथा वहां से संपूर्ण कार्यों की मॉनिटरिंग प्रति 2 घंटे पर होगी। बैठक में SDM सदर कुलदीप मीणा, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर, तहसीलदार सदर डॉ. संजीव कुमार दीक्षित, एडिशनल CMO डॉ. NK पांडे, BSA BN सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, आंगनबाड़ी वर्कर्स एक सीडीपीओ कौन है यहाँ पे? हेमंत कहाँ पे है? डीपीओ कोई सीडीपीओ को नहीं आया। देखिए, हम यहीं पे हम इकट्ठे नहीं हो रहे, गांव में कहाँ से इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि हम किसानों को एक्टिवेट करने में 2-3 घंटे लगाते हैं। ये डेली का प्रोसेस है हमारा। कल इन्होंने 450 किसानों को शपथ दिलाई है, विदिन मतलब 12 घंटों में सारा काम करा के 8 घंटे पहले निवेश आए हुए हैं और सबके यहाँ पहुँच गई है। तो दिस इज द वे, ही मतलब इसकी इतनी पकड़ है एरिया में, मतलब इतना जरूरत है। दोनों भाई संडे का लेट हो गए। अब आ गए नेक्स्ट टीचर्स, APSA साहब, DC साहब, अब आपको यहाँ लिस्ट लेके कल ये सारा जानकारी आपके APSA के माध्यम से टीचर्स को पहुंच जानी चाहिए कि यहाँ यहाँ कैंप लग रहे हैं। इसे कहीं मैं गलत बोलो, करेक्ट करिए इसको। अब वहाँ पे जो टीचर्स हैं अपने स्कूल्स में जा रहे कि नहीं जा रहे? नहीं जा रहे। टीचर्स की वैक्सीनेशन हो गई है? नहीं, जिसकी नहीं हुई उसको तो वहाँ भेजिए आप। पहली बात कि वहाँ जाके पहले वैक्सीनेशन कराइए और मोबिलाइजेशन कराइए। अगर वहाँ स्कूल में वो टीचिंग कर रहे हैं तो वो वहाँ पर फोन करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि उनका काम एक है रजिस्ट्रेशन में हेल्प करना। लिखा पढ़ी में आप ड्यूटी लगाओगे उनकी, तो पहला आप नोट करोगे क्या उनकी वैक्सीनेशन हुई है उस टीचर की उसी एरिया में। इसे क्लियर, वो जिस स्कूल में है वहाँ मेरा वैक्सीनेशन कैंप लग रहा है, वहाँ मुझे वो टीचर्स वहाँ पहले तो वैक्सीनेशन अपनी कराने में नहीं हुई है। अगर वैक्सीनेशन हो गई है तो वहाँ जाके उनको रजिस्ट्रेशन का काम संभालना है। अपना मोबाइल ले जाए, लैपटॉप ले जाए, वहाँ बैठना है, इंटरनेट लगाना है और उसमें रजिस्ट्रेशन करवा देना। उसमें बाकी लोग भी हेल्प करेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आ गया, ये विलेज सैनिटेशन रिपीशन कमेटी और मानसून लिखेगा उसको, मैं बता देंगे। राशन डीलर्स DSO साहब है हमारे, ये बहुत अच्छे से मोबिलाइज करते हैं, अगेन वेरी एक्टिव पर्सन। राशन में जितने राशन डीलर है कल ये मैसेज वहाँ दे देंगे कि यहाँ आपके कैंप लगा है। और राशन डीलर का एक इन्फ्लुएंस होता है गाँव में, उस इन्फ्लुएंस को आप यूज करके लोगों को मोबिलाइज कर देंगे कल ही। लेकिन आपके पास वो लिस्ट आज हो जानी चाहिए, शाम को मैं इन सबसे बात करूंगा। जैसे मैं हिमांशु से, DSA साहब से बात करूंगा, आपसे बात करूंगा कि क्या आपने इन इन गाँव में सबको एक्टिवेट कर दिया है। सचिव के लिए हमारे वीडियो ला रखे, देखिए पंचायत सेक्टर के लिए। हेल्थ रिसर्च का बताओ, कौन हेल्थ रिसर्च कौन देख रहा है, जिससे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कौन है वो? हाँ, MOAC बताइए। अभी सारे MOAC मेरे साथ के साथ MOAC बताइए मुझे कि क्या आपके यहाँ सारे हेल्थ रिसर्च हैं, किसके नहीं, आप करोगे? नहीं, एक लगाया गया, सबके नंबर आपके पास है, शाम को उनको लिस्ट मिल जाएगी कि आपके कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जी सर, माइक्रो प्लान में है सर, उनको ऐसे माइक्रो प्लान में माइक्रो इंजीनियर फोन करा किसी से, मेरे साथ मैंने बुलाया था। ठीक है, कहीं ना कहीं हुआ क्या है बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा छोटा नहीं जब पीछे पड़े किसी, पूरी रात आपने काम किया उस दिन, आई मस्ट अप्रिशिएट इट, दूसरे दिन पूरी रात काम किया है, पूरी रात जगते नेक्स्ट डे विजिट किया। तो उसी तरह से इसमें काम कर रहे हैं सालों में, और धीरे धीरे हमने फिर पूरे के पूरे एमओसी यहाँ इन्वॉल्व हो गए सारे, हाथ साथ है। परसों की मीटिंग में सब लोग आएंगे, परसों फिर मीटिंग में सब लोग आएंगे, आप लोग एक्सपीरियंस शेयर करोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
फिर हमारे पास आगे सर अनफॉर्चुनेटली उनको लखनऊ जाना पड़ गया, तबीयत खराब थी किसी की, उनके घर में किसी की खराब थी। जंगल कौड़िया समझिए टॉप पे चाहिए मुझे वैक्सीनेशन दे, मतलब आप उसका मीनिंग समझ सकते हो, यूनिवर्सिटी सीएचसी जो है और आप उसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हो, उसी सीएचसी में एकदम लाइन लगी रहनी चाहिए, गांव गांव में भी लगनी चाहिए। ठीक है मुंशी साहब है, और हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर कौन है? आ जा रहे हैं तो उन कल एक्टिव हो जाए, कल कोई कमी नहीं मिलनी चाहिए। ऑक्सीजन प्लांट की क्या स्टेटस है आपके? सर प्लेटफॉर्म बन गया है, प्लांट आ गया है और कल सर वो आ गया है पाइपलाइन लगाने वाले। प्लांट का प्लांट अभी सर प्लेटफॉर्म नहीं रखा गया, बगल में प्लेटफॉर्म रेडी है, जब वो पाइपलाइन की भी हो प्लांट की भी हो प्लेटफॉर्म की। पाइपलाइन वाले तो सर कल ही आए हैं, कल ही आ गया तो डे टू डे प्रोग्रेस होगा ना, तभी तो पीछे क्लियर। ठीक है नेक्स्ट आप कहाँ से? रेलघाट से, रेलघाट से ठीक है नेक्स्ट मुझे भी कॉपी देंगे, जो जो भी आप ले रहे हो सब लोग एक कॉपी मुझे देंगे, मेरे पास इसी मीटिंग हॉल में ये वैक्सीनेशन वॉर रूम बन गया है, इसी मीटिंग हॉल में हमारे पास माइक्रो प्लान की एक कॉपी, हर ब्लॉक की वोटर लिस्ट की कॉपी चाहिए हमें, यहाँ मनरेगा के वर्कर्स की भी चाहिए, वो भी एक अच्छा चलता है हर गाँव में, आयुष्मान कार्ड की भी चाहिए। शशांक आया, शशांक आपके लिए मैं अब ऐड कर रहा हूँ, जहाँ इसी माइक्रो प्लान से आप लोग प्लान कर लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड, यहीं से बैठोगे मुझे जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन हो रही है वहाँ आयुष्मान कार्ड को भी मॉनिटर करना कि उस विलेज में उस जीपी में क्या क्या आयुष्मान कार्ड का स्टेटस है, इसीलिए मैंने आप लोग को बुलाया। जो आज की बैठक ली गई है ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें जो वैक्सीनेशन है वो हमें नियर साइट या ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जाके शहरी क्षेत्र में भी जो 1 जुलाई से अभियान शुरू होने वाला है, जिसमें हम लोग हर जीपी में जाएंगे, वहाँ पे हमारी वैक्सीनेशन साइट पे ही टीका लगेगा एकदम घर के नज़दीक, उसके लिए 7 क्लस्टर पहले लिए गए, 1/3 क्लस्टर जो हमारे टोटल 20 है उसमें से 7 हमने लिए हैं, जिसमें कल हम 14,000 वैक्सीन भेज रहे हैं, और इसमें जो ब्लॉक है मैं उसका नाम आपके सामने लेना चाहूँगा, पहला है ब्रह्मपुर, पिपराइच, खजनी, कैंपियरगंज, इस तरह से 7 ब्लॉक हमने लिए हैं, और 7 ब्लॉक में 12 से लेकर 15 हमने जो है रेवेन्यू विलेज लिए हैं, जिसमें अंतर विभागीय कोऑर्डिनेशन करते हुए लोगों को मोबिलाइजेशन जो अभी 2 दिन चल रहा था कल से टीकाकरण कराया जाए। कोई भी बंदा जो 18 साल से ऊपर है, कोई भी नागरिक जो 18 साल से ऊपर है वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट करा के वैक्सीन लगवा सकते हैं। सर कितनी टीम लगाई है इसमें? इसमें हमने हर रेवेन्यू विलेज में जो बड़ा विलेज है उसमें 2 से 3 टीम लगाई है, जो छोटा है 1 लगाई है, इसके अलावा जो हमारा ब्लॉक स्तर के जितने भी ग्रामीण ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं, BDOs, तहसीलदार, SDMs, और एक ग्राम में सचिव, लेखपाल, आशा, ANM, रोजगार सेवक और जो हमारे सफाई कर्मचारी है, सबको निर्देशित किया गया है कि वो लोगों को मोबिलाइज करेंगे वैक्सीन के लिए और वहाँ पे लाके जो है वैक्सीन कराएंगे, सैचुरेशन करेंगे, और ये ओवरऑल क्लस्टर अप्रोच है कि मतलब हम लोगों ने क्लस्टर बनाए हैं और एक क्लस्टर में 10 से 12 जो गांव लिए हैं उसको सैचुरेट करना है। इसके लिए हम लोग वोटर लिस्ट की भी हेल्प ले रहे हैं, राशन कार्ड जो राशन डीलर है उनकी भी मदद ले रहे हैं, स्कूल के जो अध्यापक हैं उनकी भी मदद ले रहे हैं, और हर तरफ से डेटा लेके इसको सैचुरेट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 जुलाई से ये पूरे ज़िले पर लागू हो जाएगा।